स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास टू का सब्जेक्ट SST पढ़ेंगे। हमारा लेसन है लेसन 3 और वाटर के बारे में पढ़ना है। इसके पहले भी इस पीछे क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं वाटर के, उसका रिसोर्स हो गया, वाटर का यूज़ हो गया, ये सब पढ़े थे। और उसके आगे का टॉपिक है टाइप्स ऑफ वाटर, वाटर के प्रकार। तो फर्स्ट हो गया साल्टी वाटर और सेकंड हो गया फ्रेश वाटर। तो साल्टी वाटर जो होता है इसमें नमक की मात्रा होती है, और फ्रेश वाटर जो होता है जो हम लोग पीने के लिए जो यूज करते हैं वो। तो देखेंगे साल्टी वाटर क्या है। साल्टी वाटर इज नॉट यूज फॉर ड्रिंकिंग एज इट कॉन्टेंस साल्ट। साल्टी वाटर जो होता है उसका यूज हम लोग पीने के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें नमक की मात्रा होती है। जैसे सी, ओशियन, ये सब में नमक की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। सेकंड हमारा आ गया फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, एग्जाम्पल ट्यूबवेल, रिवर, पॉन्ड्स, etc. फ्रेश वाटर जो होता है वो पीने योग्य होता है, जिसका यूज हम लोग खाना बनाने में भी करते हैं, पीने में करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है ट्यूबवेल, रिवर, पॉन्ड्स, etc. उसके बाद है ट्यूबवेल वाटर इज गुड फॉर ड्रिंकिंग। अभी हम बोले ना कि ये पीने में इसका यूज किया जाता है, ट्यूबवेल का पानी जो हो गया, रिवर का पानी हो गया, पॉन्ड्स का, तो ये हमारे लिए अच्छा होता है, पीने योग्य होता है, खाना भी इसका मतलब अच्छा बनता है। सेकंड है वाटर ऑफ रिवर्स एंड पॉन्ड्स इज नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग एज इट कॉन्टेंस इम्प्यूरिटीज एंड जर्म्स। इसमें जो है वो रिवर, नदी और तालाब का जो पानी होता है वो हमारे लिए सही नहीं होता है, पीने योग्य नहीं होता है, क्योंकि उनमें कीटाणु होते हैं, अशुद्धियाँ ज़्यादा होती हैं, तो उसका यूज़ हम लोग खाना बनाने में नहीं करते हैं। उसके बाद है वेज टू मेक वाटर पोर्टेबल, मतलब फिट फॉर ड्रिंकिंग, पीने योग्य हम लोग पानी को कैसे बनाते हैं। पहले तो हम बताएं कि पहला आपका साल्टी है, तो उसमें नमक की मात्रा होती है, तो वो हम लोग उसका यूज नहीं कर पाते हैं। सेकेंड होता है फ्रेश वाटर, तो वाटर को हम लोग फ्रेश कैसे करते हैं, उसको अपने जैसा यूजफुल, अपने लिए यूजफुल कैसे बनाते हैं। तो फर्स्ट है बॉइलिंग और सेकंड है फिल्टरिंग। बॉइलिंग का हो गया कि हम लोग पानी को जो बॉयल करते हैं, बाय बॉइलिंग वाटर दी जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर गेट किल्ड। पानी को हम लोग बॉयल करते हैं तो उसके अंदर का जो कीटाणु होता है वो मर जाता है, और उस तरह से हम लोग उसको पीने योग्य बना लेते हैं। लेकिन ये सब फंक्शन पहले किया जाता था, अब तो इतना RO है कि लोग बॉयल पानी कम करते हैं, उन्हीं का यूज ज़्यादा करते हैं। सेकेंड है फिल्टरिंग। फिल्टरिंग रिमूव्स दी इम्प्यूरिटीज प्रजेंट इन वाटर। फिल्टरिंग हो गया जी पानी को हम लोग जो छानते हैं सूती कपड़ा से चाहे छन्नी से, उसको छान करके उसके अंदर का जो अशुद्धि होता है, कीटाणु हो गया, चाहे बालू का डस्ट ही होता जो है, उसको हम लोग छान करके अपने यूज के लिए बनाते हैं। इसके बाद है वी मस्ट स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन क्लीन एंड कवर्ड पॉट। हम लोग जिस पानी का यूज करते हैं वो साफ होना चाहिए और ढका हुआ होना चाहिए, क्योंकि और उसका हम लोग को प्रतिदिन, बोतल हो गया, चाहे बकेट हो गया, चाहे पॉट हो गया, उसको रोज प्रतिदिन हम लोग को साफ करना चाहिए। नहीं तो वो पानी का जो आयरन होता है उससे हमारा बर्तन पीला पड़ जाता है, और वो भी हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। तो इसलिए जो हम लोग पानी पीने के लिए जिस पानी का यूज करते हैं उसको साफ रखना चाहिए और ढक करके रखना चाहिए। और पानी जो यूज हम लोग करते हैं जैसे बकेट में रखे, तो उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए, किसी दूसरे बर्तन का यूज करना चाहिए, या मग हो चाहे गिलास हो, उसका यूज करके हम लोग को करना चाहिए। सेकेंड है वी शुड नॉट थ्रो दी सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट इन टू वाटर सोर्स बिकॉज इट मेक्स देम पोल्यूटेड। जो नदी, तालाब, जो ये सब जो होता है उसमें देखते होंगे कि नाला का पानी जाता है, तो उस पानी को हम लोग को नदी में नहीं फेंकना चाहिए, नहीं मिलाना चाहिए। चाहे जैसे पेपर हो गया, पोलोथीन हो गया, ये सब हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, गिरा दिए, तो उस तरह से नहीं करना चाहिए। वो सब हमारे पानी को क्या करता है, पोल्यूटेड करता है, तो इस तरह से वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है।
तो ये तो इसके पहले तो था वाटर का यूज, सोर्स ऑफ वाटर, और आज हम लोग पढ़े टाइप्स ऑफ वाटर, साल्टी वाटर, फ्रेश वाटर। साल्टी वाटर का यूज हम लोग खाना बनाने में भी नहीं करते, फ्रेश वाटर का यूज करते हैं। और फ्रेश हम लोग पानी को कैसे करते हैं, बॉयलिंग, फिल्टरिंग, वो भी देख लिए, या तो उसको बॉयल करके, नहीं तो उसको छान करके। और हम लोग को कैसा पानी पीना चाहिए वो भी देख लिए। अब इसके आगे का क्लास नेक्स्ट डे होगा।